नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी के बारे में आप सारे लोगों ने सुना होगा कि ये एक बहुत ही अच्छा एआई टूल है जो आपकी मदद कर सकता है अगर कोई भी चीज़ों का सवाल जवाब अगर आप करना चाहें तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से टीचर चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं अपने पीडीएफ पीपीटी वगैरह सारी चीजें बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले चैट जीपीटी के इंट्रो के बारे में जान लेते हैं कि भाई एक ऐसा टूल है जिसको बहुत सारे कॉलेजेस ने बैन कर रखा है ताकि बच्चे इसके द्वारा असाइनमेंट अपना पूरा कर ले रहे थे। आप इसमें कोडिंग से लेकर के एसईओ से लेकर के टाइटल जनरेशन से लेकर के यूट्यूब स्क्रिप्ट से लेकर के सारी चीजें कर सकते हैं। आप कोई भी अगर इसे सवाल पूछेंगे तो इसका ऑथेंटिकेट 99% सही उत्तर देता है। हर बार सही उत्तर नहीं देता, बट जितना ज्यादा जैसे जितने ज्यादा दिन होते जाएंगे उतने ज्यादा ये और स्ट्रांग होते जाएगा, क्योंकि ये एआई है और AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जितने ज़्यादा लोग यूज करेंगे उतने ज़्यादा ये और स्ट्रांग होते जाएगा और उतने ज़्यादा सही जवाब देते चला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज करना है। बिल्कुल ही फ्री है अभी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं और शायद फ्यूचर में भी ये फ्री ही रहे तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब लेके चलते हैं हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से इस पर अकाउंट बनाना है और किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे सर्च करेंगे चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी सर्च कर लेंगे और जो भी हमारे पास में पहला वेबसाइट आएगा ओपन आई के वेबसाइट, इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया और ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे। ट्राई चैट जीपीटी पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमारे सामने में कुछ इस तरीके का लॉगिन और साइनअप खुल जाएगा। अगर हम पहले से यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी तो लॉगिन करेंगे, अन्यथा साइनअप करेंगे। आपको अगर पहली बार अगर आप इस चीज़ों को यूज़ करें तो आप साइनअप बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, साइनअप बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे बोलेगा कि आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए और लॉगिन कर लीजिए या कंटिन्यू विथ गूगल करिए। सबसे सेफर तरीका है कंटिन्यू विथ गूगल करिए। ठीक है, और मैंने लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी वाले आईडी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए कितना आसान है इसको लॉगिन करना और कितना आसान है इसको यूज करना, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट नेम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर डाला हूँ। ठीक है, लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी डाल के मैं कंटिन्यू कर दिया। मोबाइल नंबर बोल रहा है तो मैं डाल दे रहा हूँ। ये मेरे पास में एक कोड मांग रहा है, मैं इस पर कोड डाल दे रहा हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे एक कोड आया है चैट जीपीटी की वेरिफिकेशन का, वो मैं डाल दे रहा हूँ 250542। ठीक है, अब जैसे मैंने कोड डाला ये आप देख पा रहे हैं ये लोडिंग ले रहा है और ये हमारा चैट जीपीटी ओपन हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, दिस इज ए फ्री रिसर्च प्रीव्यू, योर आवर गोल इज टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अवर सिस्टम और मेक देम सेफर। ठीक है, ये बेटा वर्जन है, मतलब कि चेक में है अभी, ये सारी चीज़ें ओपन हो गई हमारे पास में। आप सपोज करिए ना, अगर आप मैथ के टीचर हैं, ठीक ना, तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ कि राइट आउटलाइन फॉर मान लीजिए नंबर सिस्टम। ठीक ना, अब जैसे ही मैं इस पर इंटर करूंगा तो जैसे हम लोग कैसे किसी से व्हाट्सएप पे चैट करते हैं बस उसी तरीके से ये हमसे चैट करके वो सारी चीज़ें बता देगा। जैसे बता दिया इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन ऑफ नंबर, ठीक है, इम्प्रूव ऑफ नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे लाइफ, दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, डिफाइन वगैरह जो भी चीज़ें, बाइनरी नंबर सिस्टम, और उसको पॉइंट बाई पॉइंट कर दिया। ठीक है, और ये चीज़ें करते जाएगा जब तक हम इसको स्टॉप ना करेंगे या जब तक इसका इन्फॉर्मेशन खत्म ना हो जाए। ठीक है, ये तो हमारा था मैथ के टीचर के लिए। अब उसके बारे में मान लीजिए अगर आपको बनाना है वीडियो कि अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं और आपको बनाना है कि आप किस तरीके से बच्चों को स्पोकन सिखा सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए इसको मैं स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए ना मैं नया चैट खोल लेता हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि हाउ टू स्पोकन। ठीक है, अभी है ना मुझे इंटरनेट से सर्च करके जो भी इंपॉर्टेंट तरीके हैं वो मुझे बता देगा। जैसे हेयर आर सम इम्प्रूव, There are some ways to improve your English speaking skill. पहला practice speaking English regularly with a native speaker or other non-native speaker. Watch English language TV show, movies and video to improve your listening and speaking skill. Read English book, newspaper and magazine to increase your vocabulary and improve your pronunciation. Join an English language course and find a tutor for regular speaking practice. Practice in English speaking club on online community. Where you can practice speaking with others. Record yourself speaking English and listen to the playback of identify area for improvement. Try to think in English and speak out loud as often as possible, even if you are alone.
ठीक है, ये बहुत सारे तरीके हमको दे दिया इम्प्रूव कैसे करें इंग्लिश को। ठीक है, आप सपोज करिए आप वीडियो बनाना चाहते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव मैथ। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप उससे रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं जीके जीएस का। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए कि एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, आउटलाइन। अब आउटलाइन क्या है कि हमारे पास में एक कम से कम आउटलाइन तो आया, हमारे पास में एक आउटलाइन है जिसपे हम अपना पीपीटी वगैरह बना सके। मैंने आपको बताया भी था कि क्या क्या आउटलाइन अगर आपके पास में रहे तो पीपीटी जनरेट कर सकते हैं, उसके साथ में आप उस चीजों को ब्रीफ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये आ गया बिफोर 3000 BCE, फिर 3000 BCE से 300 BCE के बाद में जो भी चीज है मतलब जो भी सिविलाइजेशन आया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के वैदिक पीरियड से लेकर के जो भी ब्रीफ है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री का, वो सारी चीज यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम जो भी चीजें चाहें, जो भी चीजें जनरेट करना चाहें, वो सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आप अपने पीपीटी में यूज करके उस पॉइंट को ब्रीफ कर सकते हैं अपने डिटेल में, अपने नॉलेज के अनुसार। तो बच्चे उस चीजों को काफी पसंद करते हैं, बच्चे उस चीजों को काफी पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, बस इसको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं सिंपली गया, कॉपी किया और किसी भी अदर ब्राउजर में मैं जा करके इंटर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए ना मुझे इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और भी चीजें जानना है, मान लीजिए एंशियंट रोम, या मान लीजिए ना मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना है थोड़ा डिटेल में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने डाला और मैंने लिख दिया ब्रीफ। ठीक है, अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीजें बता देगा जो जो मुझे जानना होगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा एक चीज है कि ये इंग्लिश में बताते हैं, आप इसको चाहे तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने बच्चों को इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में बता दीजिए, हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि इसको हिंदी में बता करके पीपीटी बनाए इसको हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए, उससे बता दीजिए। तो आप जो भी चीजों के बारे में यहाँ पे सर्च करेंगे और लिखेंगे ब्रीफ, वो सारे टॉपिक के बारे में यहाँ से ब्रीफ करके दे देगा। ठीक है, चलिए इसको स्टॉप कर लेते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से चैट जीपीटी हमारी काफी मदद कर सकता है, कोई भी टॉपिक तैयार करना है उसके लिए, कोई भी पीपीटी तैयार करना है, कोई भी आउटलाइन तैयार करना है उसके लिए। अब एक बार समराइज कर लेते हैं वीडियो को। आपको गूगल में सर्च करना है चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी आएगा, लॉग इन और साइनअप पूछेगा आपसे। अगर आप पहले से यूज कर रहे हैं तो आपको लॉग इन पे जाना है, और नहीं तो आप साइनअप पे क्लिक करेंगे, आप साइनअप कर लेंगे अपने ईमेल आईडी से या गूगल के माध्यम से। ठीक है, वहां पर आपसे ओटीपी वगैरह पूछेगा, आप चाहें तो एसएमएस के माध्यम से ले सकते हैं, चाहे तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। आपका जैसे ही ओपन होगा चैट जीपीटी, आपको आ जाएगा इस तरीके का कमेंट बॉक्स आ जाएगा, आप उसमें जो भी चीजें लिखेंगे उसका ऑथेंटिकेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके टॉपिक के बारे में डिटेल में वो सारी चीजें देगा। अब आप बोलेंगे कि ये सारी चीजें गूगल से ही पॉसिबल थी, जी हाँ गूगल से पॉसिबल थी, बट एक ऑथेंटिकेट रिसोर्स सर्च कर पाना और उसको ब्रीफ कर पाना काफी मुश्किल था, जो कि यहाँ पे 2 मिनट में हो गया, और वो भी एक ऐसे दोस्त की तरह हुआ। जैसे मान लीजिए जैसा टीचर को मैसेज करते हैं, सर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, या कोई भी चीज है, आप इसको मदद के लिए पूछ सकते हैं और ये आपको पूरा डिटेल में इंटरनेट से खंगाल करके नॉलेज देगा। आप उसका यूज अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह में कर सकते हैं, अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और मुझे लगा ये आपको चीजें जाननी चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प आउट कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और सक्सेसफुली आपका सारा चीज़ चल रहा है और आप चाहते हैं अपने कोर्सेज को सेल करना, तो आप हमसे एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। हमारा नंबर है 7277804691। हम आपको आपका अपना कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन देते हैं, और अगर आपको एप्लीकेशन के फीचर के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आई बटन पे मैं लिंक दे दे रहा हूँ कि हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर होने वाले हैं। आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपका कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन बनाने में आपकी मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैट जीपीटी का यूज करेंगे आप अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।